हे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन सीरीज में हम देख रहे हैं Level-1 का Part-11। इसमें हम सीखेंगे भिन्नात्मक संख्याओं की तुलना करना, यानी कि कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। कई भिन्न संख्याएं आपको दी हुई होंगी और उनमें से आपको चुनना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, बढ़ते हुए क्रम में सजाओ या फिर घटते हुए क्रम में सजाओ। तो इस तरह के सवाल हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे करना है। भिन्नात्मक संख्याओं की तुलना करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो उन सारे तरीकों पे हम एक एक करके नजर डालेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। हमारे पेन ड्राइव तथा मेमोरी कार्ड कोर्सेज भी आ चुके हैं, आप उन्हें लेने के लिए 9109506253 पर कांटेक्ट करें। जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा कोर्स है जिससे आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होना पक्का हो जाएगा जी। पिछले लेक्चर्स में हमने भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये सब क्या है? फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, यानी कि भिन्न संख्याएं हैं। अब हमें जानना ये है कि इन संख्याओं में से कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, तो उसके कई तरीके हैं। पहला मेथड है वो बहुत सिंपल मेथड है, जब हर बराबर हो उस केस में काम करता है ये। हर मतलब डिनोमिनेटर्स जब बराबर हो, जैसे आपको संख्याएं दी हुई हैं 1/2, 4/2, 5/2 एंड 7/2। इसमें आप ध्यान देना बच्चों, एक बात गौर करो कि सभी का डिनोमिनेटर जो है, यानी कि हर बराबर है, 2, 2, 2, 2। तो ऐसे केस में अगर हर बराबर होता है तो ऐसे केस में जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी मानी जाएगी। मतलब 7/2 सबसे बड़ी भिन्न है इसमें। आप समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, इसलिए ये भिन्न सबसे बड़ी है। उसके बाद ये 5/2, उसके बाद 4/2, उसके बाद ये 1/2। सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है वो है 1/2। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है, इसका जो न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा है। तो ये ध्यान रखना, ये मेथड उसी केस में काम करेगा जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, जब हर बराबर हो तभी ये मेथड लगाना। चलो अब दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड ये है जब हर बराबर ना हो। अब हर बार कोई जरूरी थोड़ी है हर बराबर रहेगा। मान लो ऐसी संख्याएं आपको दे दी गई 1/2 और 3/4, इसमें तो डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा केस हमारे पास आ जाता है तो हम पहले वाले मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम हर को बराबर करेंगे। अब हर को बराबर कैसे करेंगे? देखो, ये दो संख्याएं मान लो हमें दो भिन्न हमें दिया हुआ है। एक और सपोज कर लो कि हमें दिया हुआ है 4/5, राइट? तो हर बराबर करने के लिए, ध्यान रखना, हर बराबर करने के लिए सबसे पहले हम इन सभी हरों का, सभी डिनोमिनेटर्स का LCM निकालेंगे, यानी कि लसन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो तो बात आपको पता ही है। 2, 4 और 5 का बच्चों हम लसन निकालेंगे। देखो क्या होगा, लसन निकालना हमने सीखा था पहले, तो 2 से ये भाग देंगे तो 2, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ 1 आएगा, ये 1, 2, 1 कम 2 और 2 दूनी 4, और ये 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 1, 1 और ये 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे तो ये सारा कुछ 1 हो जाएगा, सब कट जाएगा, ठीक है? तो ये 2×2×5 ये जो हुआ, इसका क्या हुआ ये बताओ? ये हुआ इसका डिनोमिनेटर, यानी कि हर हुआ। 2×2, 4×5, 20। तो अभी इसका LCM क्या हो गया? 20 हो गया, है ना? अभी इसका LCM 20 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब थोड़ी समझने वाली बात है। अब क्या करेंगे, LCM हमारे पास कितना आया? 20। एक जगह लिख के रख लो इसको, 20 LCM आया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सभी हरों का एक एक बार इसमें भाग देंगे डिनोमिनेटर्स का। तो 2 का 20 में भाग दो, कितना आया? 10 आया। और ये जो 10 आया उसका गुणा ऊपर कर दो, ठीक है? तो अब क्या होगा, 10 का गुणा ऊपर करोगे तो 10×1=10 हुआ, और ये नीचे 20, सबके नीचे 20 उतार देना है हमें। पहले सबके नीचे 20 उतार दो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है? तो हमने 2 से जब 20 में भाग दिया तो हमारे पास रिजल्ट आया 10। उस 10 को गुणा कर देना है ऊपर वाले से। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाओगे। अब आगे चलते हैं, 4 का 20 में भाग दो तो कितना हुआ? 4×5=20 होता है, तो 5 आया रिजल्ट, कितना आया? 5 आया। इस 5 को गुणा करेंगे किससे?
इस 5 को 3 से गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 3 कितना हुआ, 15 हुआ ये, ठीक। उसके बाद आगे चलो, ये 5 है, इस 5 का 20 में भाग दो, कितना हुआ, ये 5 का जब 20 में भाग दोगे तो ये आएगा 4, कितना 4, और इस 4 का गुणा करना है किससे, 4 से, 4 चौके 16, 4 4 16। तो इस तरह से सबसे पहली बात आप समझ लो कि एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर्स का, हरों का एलसीएम निकालना है, इन सभी का एलसीएम निकाल लेना आप एक बार, जो भी एलसीएम आएगा उसको पहले एक जगह लिख के रख लेना और उसमें सबका भाग देते जाना। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे आपको ये सब आसान लगने लगेगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आप सभी को। तो देखो, उसमें भाग देते जाना है सबका, और जो भी भागफल आएगा उससे ऊपर गुणा कर देना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब ये इसका हर जो है बराबर हो गया, डिनोमिनेटर्स तो सारे बराबर हो गए, और हमने पहले मेथड में सीखा बच्चों कि जब डिनोमिनेटर्स बराबर होते हैं तो जिसका अंश यानी कि न्यूमिनेटर ज़्यादा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, ठीक। तो इसमें अब देख लो किसका अंश ज़्यादा है, ये 16, ये सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई जी, पहले नंबर पर ये हो गई भिन्न, उसके बाद ये 15 है तो ये दूसरे नंबर की भिन्न हो गई, और ये सबसे छोटी भिन्न यानी तीसरे नंबर की भिन्न ये हो गई, क्योंकि इसका जो अंश है वो 10 है, न्यूमिनेटर इसका 10 है ना। तो जब हर बराबर नहीं होगा तो हम ऐसे काम चला लेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, हर बराबर कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद हो क्या रहा है, देखो हर सभी का बराबर हो जा रहा है और इसीलिए ये मेथड काम कर जा रहा है। तो जब हर बराबर नहीं होगा तो हम ऐसे कंपेरिजन यानी कि ऐसे तुलना कर लेंगे, ठीक है। अगला जो मेथड है वो हमारे पास है तीसरा मेथड, जब अंश बराबर हो। अभी तक हमने देखा कि हर बराबर थे और हर बराबर नहीं था तो हम कर ले रहे थे। अब अगले मेथड में क्या हम देखेंगे कि जब अंश बराबर हो तो तुलना कैसे करेंगे। सपोज करो ये दिया है 2/3 और उसके बाद अंश बराबर ही है तो 2/5, एक दिया है 2/4 और एक दिया है 2/7। ये 4 भिन्न आपको दी हुई है, तो अंश बराबर जब रहता है बच्चों तो ध्यान देना जिसका हर सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न सबसे छोटी है, उल्टा है इसमें, ये बात थोड़ा सा गौर करना, जिसमें हर सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो मिलाओ 3, 5, 4 और 7 में से कौन सा सबसे ज़्यादा है, 7, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो गई, सबसे ये भिन्न सबसे छोटी हो गई, समझ रहे हो आप बात को। अब आगे बढ़ते हैं, 7 से छोटा कौन सा है, 5 है, तो दूसरे नंबर की भिन्न ये हो गई, मतलब पीछे से हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक बात ध्यान दो कि सबसे छोटा जो हर है वो किसका है, तो ये 3 सबसे छोटा है तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, तो जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, ये बात याद रखना बस, जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी बस। और आगे चलते हैं मेथड 4, इसमें हमको करना क्या है कि दशमलव में बदल देना है, जैसे 1/2 है मान लो, सपोज करो दिया है 1/3 दिया है, 1/4 दिया है और 1/5 दिया है, तो इसको अगर आप डेसिमल में बदलोगे, मैं कुछ वीडियोस में अपने, तो इसको अगर आप डेसिमल में बदलोगे तो 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5, 1/3 को आप लिख सकते हो 0.33 और 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25, 1/5 को आप लिख सकते हो 0.2। तो यहाँ से दशमलव में बदलने के बाद तो सीधे सीधे पता लग जा रहा है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। देखो ये 0.5 ये सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, ठीक है। तो मेथड 4 ये बहुत ज़्यादा उतना ज़रूरी मेथड नहीं है, बाकी के तीनों मेथड बहुत काम आएंगे, उन्हें याद रखना, ये कभी कभी काम आ सकता है तो इसको भी एक बार जानना ज़रूरी है। और सबसे अंतिम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये देखो वो है जी मास्टर जी का जंतर। अब मास्टर जी का जंतर क्या कहता है, देखो दो संख्याएं, दो भिन्न अगर आपके पास हैं, अगर एक भिन्न है a/b और दूसरी भिन्न है c/d, तो एक बात याद रखना, अगर इस तरह के भिन्न दो आपके पास हैं, कोई भी भिन्न, तो इसमें आपको तुलना करना है अगर, तो क्या करोगे आप, AD का गुणा कर दोगे और BC का गुणा कर दोगे, क्या करोगे, AD का गुणा कर दोगे ऐसे, AD का आपस में गुणा कर दोगे और ये BC का आपस में गुणा कर दोगे। अब देखोगे कि अगर AD बड़ा होता है BC से, AD इज़ ग्रेटर देन BC,
तो भैया ये वाली भिन्न बड़ी होगी, लेकिन अगर AD छोटा होता है BC से तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी C/D। एक एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाता हूँ। सपोज़ करो एक भिन्न है 1/2 और दूसरी भिन्न है 1/3। अब इसमें जानना है कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, करना क्या है तिर्यक गुणा कर दो। एक का 3 से गुणा करे तो ये कितना हुआ 3 हुआ, 2 का 1 से गुणा करे तो ये कितना हुआ 2 हुआ। अब बड़ा कौन सा है इसमें से, इसमें से 3 बड़ा है, तो देखो 3 बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई। कैसे, क्योंकि हमने यही तो गुणा किया, यही तो है, ऐसे गुणा किया, ध्यान रखना ऐसे गुणा करेंगे और 2 का 1 में ऐसे गुणा करेंगे। तो अगर इधर वाला पार्ट यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट इधर वाला बड़ा आता है तो वो संख्या बड़ी होगी, मतलब जिधर का बड़ा आएगा उधर वाली संख्या उधर वाली भिन्न बड़ी होगी। आप समझ रहे हो बात को, अगर ये इधर बड़ा आया होता तो इधर बड़ी होती भिन्न। देखो कैसे, एक एग्जांपल से मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज़ करो कि आपके पास भिन्न है, क्या मैं लूँ 3/4 है एक और एक है 4/5। अब आएगा मज़ा, देखो एक 3/4 है एक 4/5 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का तिरछा गुणा कर देंगे, 3 का 5 में करेंगे और 4 का इधर 4 में करेंगे, ऐसे देखते जाओ आप 4 का 4 में करेंगे, तो 5/3 ये कितना हुआ, ये 3/5 ये हुआ 15 और ये करेंगे तो 4×16, ठीक है। किधर का बड़ा है, इधर का बड़ा है तो इधर वाली भिन्न भी बड़ी होगी, 4/5 बड़ी है। ये है मास्टर जी का जंतर, इसको याद रखना। दो संख्याओं में, दो भिन्न में कभी भी पूछे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, सीधे दोनों में तिर्यक गुणा करना और जिधर की भिन्न बड़ी, जिधर की संख्या बड़ी आएगी उधर का भिन्न भी बड़ा होगा। तो कैसा लगा ये ट्रिक, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। एक बात आप ध्यान रखना, हमारे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव कोर्सेज भी आ चुके हैं, आप उन्हें लेने के लिए 9109506253 पर कांटेक्ट करना। जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा कोर्स, जिससे आपकी नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार होगी और आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में चुटकियों में क्रैक कर पाओगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलें फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के कुछ वीडियो लेक्चर्स के साथ अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।